गुड मॉर्निंग 9th क्लास. सो टुडे इज 29th अक्टूबर ऑन डे थर्सडे. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द फर्दर चैप्टर, दैट इज चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो नाउ जो असी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्लांटे. सो असी जो भी असी इहदे विच क्लासीफिकेशन पढ़ी सी, ठीक है, उहदे विच असी सब बेसिक कुछ रीड आउट किया सी कि प्लांटे हुंदा है, एनिमीलिया हैगा है, फंजाई आ, एलगा है. सो सिमिलरली हुण असी इहनां नूं एक्सप्लेन च पढ़ांगे. सो द फर्स्ट लैवल ऑफ क्लासीफिकेशन, जो पहला लैवल है क्लासीफिकेशन दा, अमंग प्लांट एंड डिपेंड ऑन वैदर प्लांट्स बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट एंड द मोस्ट लैवल ऑफ क्लासीफिकेशन इज बेस्ड ऑन वैदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यू और फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टांस विद इन इट. सो प्लांटे फैमिली दे विच प्लांटे क्लासीफिकेशन कैटेगरीज दे विच उहनां नूं डालिया जांदा है जिन्हां दा वॉल डिफरेंशिएट हो. पहली गल तो सानू वॉल प्रॉपर डिफरेंशिएट हो, जिवें असीं कहने कि दिस इज अ सैल मैमब्रेन, उहदी सैल मैमब्रेन आ, ठीक है. सो आफ्टर दैट देयर इज अ अनदर मैमब्रेन, सो देयर इज अ, ठीक है, अंदर साइटोप्लाज्मा. सो हर एक चीज लेयर दिखदी आ, ठीक है. एंड दैन हर प्लांट की बॉडी एक स्पेशल टिश्यू की बनी हो जो वॉटर ट्रांसपोर्ट ते अदर सबस्टांस ट्रांसपोर्ट करन च हेल्प करे, ठीक है. सो कुछ सीड्स बनांदे आ ते कुछ सीड्स नहीं बनांदे, कुछ प्लांट सीड बनांदे नहीं एंड कुछ प्लांट सीड तो फ्रूट बनांदे नहीं, ठीक है. सो कुछ प्लांट सीड तो फ्रूट बना रहे नहीं एंड कुछ किसी दे फ्रूट दे अंदर सीड पिया है, ठीक है. सो लाइक सीड टू फ्रूट, मतलब अगर तुसी कह सकते हो कि पहला सीड बनिया दैन फ्रूट बनिया, लाइक फ्लावर बनते हैं दैन फ्रूट बनता है. फ्रूट दे विच सीड पिया दा मतलब हैगा वा कि लाइक जिवें तुसी कह सकते हो कि मैंगो आ तो उहदा सीड किहदे हुंदा है, बाहरो तुसी सारा फ्रूट खा लैंदे दैन उहदे अंदर सीड हुंदा है. सो ऑन बेसिस प्लांटे दे बेस ते डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजन आ. सब तो पहला हैगा थैलोफाइटा. सो व्हाट यू मीन बाय थैलोफाइटा, सो प्लांट्स दी ही अगो डिवीजन कीती गई आ इस बेसिस ते कि वो ट्रांसपोर्ट करदे आ कि नहीं करदे वाटर, वो सीड बियर करदे आ कि नहीं करदे सीड, उहनां दे नेकड आ सीड सानू दिखदे आ कि नहीं दिखदे, जो फ्रूट दे अंदर सीड आ वो सानू नहीं दिखदे. जिवें बदाम आ वो एक सीड आ तो सानू दिखदा है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज कि उन्हां को स्पेशल टिश्यू हैगा ट्रांसपोर्ट करने लई वाटर के नहीं हैगा. सो नेक्स्ट इज थैलोफाइटा. थैलोफाइटा मीन्स प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप. जिन्हां को प्रोपर तरीके की वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं ही हुंदी, ठीक है, लाइक स्टेम रूट्स प्रोपर नहीं है हुंदे एंड द प्लांट्स इन दिस ग्रुप मोस्टली असीं उन्हां नूं की बोलदे आ एलगा. सो थैलोफाइटा प्लांटे च जिन्ने भी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, उन्हां दा प्रोपर बॉडी डिजाइन, जिवें प्लांट दे प्रोपर बॉडी डिजाइन पढ़दे आ ना, प्लांट्स प्लांट दा लीव स्टेम रूट्स, बट एरी नहीं हुंदे. सो दिस इज अ एलगा, इस दे विच एलगा आंदे आ. सो द प्लांट्स आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक. सो मोस्टली कहिंदे कुछ जिहड़े प्लांट्स ओह एक्वेटिक भी हुंदे ने इहदे विच, लाइक स्पायरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, कारा. सो ये भी जड़े हैगे एलगा है. सो इत्थे डायग्राम्स भी बनिया है, देखो इन्हां दे प्रोपर सानू पता नहीं ये स्टैम आ रूट आ वट इज दिस. सो मतलब असीं प्रोपर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. सो नैक्सट टाइप ऑफ द प्लांटे कैटेगरी इज दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ब्रायोफाइटा. Bryophyta, so these are called the amphibians of the plant kingdom. So the plant kingdom is commonly differentiated to form stem and leaf like structure. So tanu ek stem dikhegi and then leaf like structure dikhega, like that tanu stem dikhegi and leaves like structures dikhenge, theek hai. So koi specialized body nahi hundi, jive apna trees vekhde ho unna ch xylem phylum hunde aa tusi pade hoye tissues जो ट्रांसपोर्ट करन च हेल्प करते हैं, बट ए नहीं होंगे ट्रांसपोर्ट करन च, ठीक है. सो एग्जाम्पल की है कि फनेरिया एंड मार्केंशिया, ठीक है, सानू ये माउंटेन एरिया च इजली मिल जाते हैं. सो दिस इज फनेरिया एंड दिस इज अ मार्केंशिया, ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज ट्रीडोफाइटा. ट्रीडो पी इज अ साइलेंट ट्रीडोफाइटा. सो इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन टू, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੂਟਸ ਚ ਸਟੈਮ ਚ ਲੀਵਸ ਚ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਂਡ ਅਡਰ ਸਬਸਟਾਂਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਟੂ ਅਨਦਰ. ਸੋ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰ ਮਾਸੀਲੀਆ, ਫਰਨਸ, ਹੋਸਟੇਲ. ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੀਡੋਫਾਈਟਾ. ਸੋ ਮਾਸੀਲੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਮ
लीव्स प्रॉपर डिफरेंशिएट करने हुंदा है. दिस इज अ फर्न्स. तुसी अगर माउंटेन्स एरिया ते जाओ थोनू रोड साइड बहुत ही बड़े बड़े लीव्स दिखणगे लाइक दैट. ठीक है. सो डेफिनेटली थोड़ी बुक ते हैगा बेटा एंड ड्यूरिंग रीड दिस चैप्टर डेफिनेटली डायग्राम्स पिक्चर्स देख दे जायो. ऑन द अदर हैंड प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज दैट अल्टीमेट मेक सीड्स आर कॉल्ड फनेरियोगम्स. सो कहिंदे कि जड़े सीड्स बनांदे आ जड़े रिप्रोडक्टिव टिश्यू जड़े गमीट्स नहीं टिश्यू जड़े सीड्स बनांदे आ उन्हां नूं असीं की बोलदे आ फनेरियोगम्स. सो सीड आर द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फूड प्रोसेस. सो सीड्स किदे तो बनते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तो. तुसी 8th क्लास रिप्रोडक्शन पढ़ के आयो. सो आई थिंक तुहानू ये वर्ड समझाना नहीं पेगा. सो रिप्रोडक्शन तो सीड्स बनते हैं. सो दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो. सीड दे विच की हुंदा है एम्ब्रियो. ठीक है. विद स्टोर्ड फूड. वैसे भी असं बेटा जो भी फ्रूट खाने असल जो प्लांट का स्टोर्ड फूड हुंदा है जो उन्हें अपने लिए रखे जिन्होंने असं खाने. ठीक है. सो दैन कहते इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मीनेशन. सो ये जो फ्रूट वो हेल्प करता है कि जो अंदर एम्ब्रियो आनू खाना मिल सके. ठीक है. सो दिस ग्रुप इज क्लाइब बेस्ड ऑन वैदर सीड्स आर नेकड. सो इन असी फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि यदा सीड नेकड आ या यदा सीड नेकड नहीं आ. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडोफाइट. दो टाइप्स के ने जिम्नोस्पर्म एंड एनजियोस्पर्म. ठीक है. सो जिम्नोस्पर्म ते एनजियोस्पर्म्स आ. सो किसी दे नेकड है एंड किसी दे नेकड नहीं है. ठीक है.